हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अरे नमस्ते, हो रही है जी। जिग्नेश बोल रहे हैं एक्सिस बैंक की तरफ से, कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड हो रहा है। क्रेडिट कार्ड के लिए फोन करा था, 7608 का पेमेंट आपका ड्यू था 257,300 रूपए का। डिले हुआ नहीं सुना दिया सर आपको? 257,300 रूपए का पेमेंट आपका ड्यू था 7608 वाले कार्ड नंबर पे। जान सकते हैं कितना डिले हुआ आपका? कितना डिले हुआ ये जानना है? 2 महीने के ऊपर हुआ सर डिले। एक मिनट रुको यार, गर्लफ्रेंड के आते एक मिनट कॉल करके गर्लफ्रेंड के आते लंच मंगवा लो। लंच का टाइम हो रहा है ना? लंच का टाइम सर अभी टी ब्रेक का टाइम हो गया वैसे तो। अरे नहीं यार, मेरा लंच का टाइम यही है। आपका लंच का टाइम यही है? कोई इशू नहीं, पहले बात कर लो फिर लंच। अरे रुक जाओ एक मिनट, बुला दे लूं यार, वो टिफिन दे जाएगी यार, तुम भी अजीब हो। तो मैंने कब मना करा, बुला लीजिए उनको, कॉल मत काटिएगा, बुला लीजिए। हेलो, बोलिए, हो गया बात आपकी? हाँ हो गई जी। सर बताएंगे क्या इशू आ रहा है आपको पेमेंट में? पेमेंट में? हाँ जी हाँ जी। पेमेंट में क्या बताऊं मैं, पेमेंट में ऐसा है वो पैसों का ना, जैसे तुम कपड़े पहनते हो। हाँ हाँ। तो तुम कपड़े पहनते हो कि कपड़ों के सिलवा के? मैं कपड़े पहनता हूँ नोटों के सिलवा के। अच्छा हाँ, तो सर जी फिर उसी नोटो में से थोड़ा कपड़े में से निकाल के करवा दीजिए ना पेमेंट, आप फट जाएंगे ना, दिक्कत ये है, तो इसलिए मैं जो है ना पेमेंट देता नहीं हूँ। साइड में से निकाल लीजिए तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 4,550 रूपए का ही करना है ना सर यार। वो थोड़ी है, लेडीज के कपड़े के शॉर्ट्स भी पहन लेंगे चल जाएगा। मेरे कपड़े कपड़े से आपने सिलवाए होंगे तो पुराने वाले तो पड़े होंगे ना, तो उसमें से निकाल के जो पहनते नहीं होगे आप। क्या पहनता नहीं हूँ मैं? जो पुराने कपड़े होंगे ना पैसे से सिलवाए आपने, उसमें से निकाल के दे दो जो आप पहनते नहीं होगे। नहीं, कपड़े सिलवाने का शौक तो अब आया है ना मुझे, पुराने कपड़े तो कपड़े के रखे हैं, वो चाहिए तो ले लो। पुराने कपड़े कपड़े कैसा है जी सर जी, तो क्या करेंगे बताइए? मैं पेमेंट नहीं करूंगा यही कह रहा हूँ फिर तो। बट क्यों नहीं करोगे, क्या क्या प्रॉब्लम? कोई आपको कुछ गलत बोल दिया या कोई दिक्कत हो चुकी है आपके साथ, कोई परेशानी हो तो बताइए सर जी। अगर बताया तो भाई साहब, कपड़े 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 नहीं है तो सर जी उसमें हम क्या कर सकते हैं बताए? तुम यार कुछ नहीं कर सकते हो वैसे तो, तुम एक नौकर हो ठीक है जो काम कर रहे हो एजेंसी में जी, लेकिन तुम फिर भी एक काम कर सकते हो जी। वो काम ये होता है, तुम मेरे लिए तुम इसमें आरटीपी डाल सकते हो ठीक है। आरटीपी? बट रीजन तो बता नहीं रहे हो सर जी, मैं रीजन के आप कपड़े का रीजन बता रहे हो। अगर कपड़े का रीजन में आरटीपी चलो डाल भी दिया तो कॉल थोड़ी स्टॉप होंगे आपके। कोई रीजन आपका जो होगा वो बताइए तो मैं आरटीपी डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा ना। इंटेंशनली रीजन डालो तुम। कौन सा? इंटेंशनली रीजन डालो। इंटेंशनली रीजन में डालू मैं? क्या इंटेंशनली रीजन डालू मैं? कस्टमर इंटेंशनली पेमेंट नहीं कर रहा ठीक है, मतलब इंटेंशनली आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो ऐसा है? हाँ तो सर जी ऐसा करो, जो क्रेडिट कार्ड है ना आपका वो जाओ बैंक में लेके वहां पे ही मना कर दो, स्ट्रेट आरटीपी हो जाएगा ना आपका। ऐसा नहीं करता हूँ ना मैं। अरे सर जी अभी मुझे बता रहे कि मैं करूंगा, मेरा यहाँ से जो रिमार्क होगा वो बैंक में ही जाएगा, वो वैलिड गिनेंगे नहीं गिनेंगे, वापस फोन आएगा, वापस सेम टू सेम सर्कल चलता रहेगा। कार्ड लेके वहां जाके क्लियर करवा दो ना आप। नहीं भाई नहीं, वहां पे जाके यार वहां पे मैनेजर चाय वाय पिलाता है ना, वहां पे रुकना पड़ता है, मैं रुकना नहीं चाहता। तो मत पीना ना चाय भाई सीधा। अरे मैनेजर मुंह में घूंट देता है चाय के, मत पीना चाय यार, तुम्हें पता है, मुझे पता है मैनेजर कैसा है, गेंडू मैनेजर है, वो मानते नहीं है। अरे सर मान जाएगा, आपके पास पैसे के कपड़े आप कपड़े के तो सिलवा दो सर जी, आप आपकी बात कौन नहीं मानेगा मुझे बताओ। अरे नहीं मानता तभी तो वो खातिरदारी करता है, ताकि सर हमारे और कुछ लें, सर हमारे और ले उसकी ले लें, नहीं मानता। ऐसा हुआ है तो फिर बताए क्या करेंगे? मैं आरटीपी में इंटेंशनली रीजन तो नहीं डाल सकता सर, और कोई रीजन बताइए ना। यूं कह दो कस्टमर ने ना रशियन खरीद लिया अपने पैसों से ठीक है, ये डाल देना। बट इतने सारा खर्चा नहीं होता ना सर उसमें। अरे तो भाई बंटवा दी ना मोहल्ले में, सबके तो वापसी बैठे हैं, सबको बंटवा दी। फिर भी इतना 2.5 लाख का थोड़ी होगा सर जी। अबे भाई मोहल्ले में नहीं, एक बात बता भाई, तू रशियन 6,000 की ठीक है जी, डिस्काउंट में 5,000 की पड़ी जी, 10 रशियन 50,000 की। हाँ तो अब तू कुछ सोच भाई, मैंने कम से कम 50 रशियन बंटवाई है तो 2.5 लाख हो गए नहीं हो गए? हाँ
तो आप बता भाई कहाँ, बता खुद सोचने की बात है ना। बट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में तो अलग ही बता रहा है सर जी। क्या बता रहा है? अलग अलग जगह पे जो यूज करा एक साथ तो ये हुआ ही नहीं ना यूज। समझा नहीं ना तू, उनको भाई अलग अलग जगह यूज करके दिया है और भाई वहां पे से क्या कहते हैं मतलब टुकड़ों में दिलवाई है ना। देखिए ना, हर किसी को थोड़ी दिलवा दूंगा, दस दस करके दिलवाई है। मतलब हाथ के पार्ट अलग बसा। मतलब ये है कि जैसे जैसे एक लिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है? आपने लिस्ट बनाई, ठीक है। जो 18 साल के उनको सबसे पहले मिलेगी। ओके। उसके बाद जो ऊपर के उनको हल्के 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 ऐसे भाई एक दिन में थोड़ी दिलवाई है। एक दिन में दिलवाता तो भाई पता नहीं क्या क्या हो जाता। अच्छा आपने ऐसा किया है। अरे कौन, एक बात बता भाई। नहीं वहाँ पे तुझे, वहाँ पे तुझे सारे अरेंजमेंट देखना, वाग्रा की गोली सब ला के रखना है वहाँ पे, तेरे को निरोध भी ला के रखना है। इतना कुछ कैसे अरेंजमेंट देख लेगा तू एक दिन में? जी जी समझ गया समझ गया। वक्त लगता है इसमें। हाँ हेलो। हाँ अरे मैं ये कह रहा था, एक मिनट रुक जा भाई यार, जरा इनको जवाब दे दूँ, ठीक है? जी 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 बोल लीजिए। हाँ भाई हेलो, कहाँ पे थे अपने? आपने लिस्ट बनाई थी? हाँ वो जो है ना कॉल आया था, मैंने लिस्ट बनाई है ना, और लिस्ट बनाई है उस पर काम चल रहा है, तो कॉल आया था उसके रिलेटेड। अच्छा मतलब अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो? अरे मल्टीपल डिफॉल्ट है भाई, मल्टीपल डिफॉल्ट सबकी जो है ना, जितने भी आ गए ना सब ठंडी करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, बट सर क्रेडिट कार्ड की तो लिमिट ही खत्म हो गई ना आपकी फिर? मल्टीपल 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 मल्टीपल, समझ में आता है? अच्छा अच्छा, तो ऐसा कीजिए जिन जिन लोगों को सर आपने जो हेल्प करा है ना, जिन जिन लोगों को सर, उनमें से किसी के पास से अरेंज करोगे 4,550 करा दीजिए ना बस, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मुझे परेशानी होगी ना? 4,000 खाली 4,550 करा दीजिए। वही तो बता रहा हूँ, मुझे परेशानी हुई, 450 और डालूंगा तो 5,000 की एक और आ जाएगी। कितने? 450 और डालूंगा तो 5,000 की एक और आ जाएगी। ये समझो ना कि आप क्रेडिट कार्ड में पैसा डालोगे फिर वापस यूज भी तो कर पाओगे ना। नहीं नहीं, फिर आपने जो 50 खरीदा उसके बदले आप 100 भी खरीद पाओगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छे चालू हो रहे हो, तुम्हें भी लग रहा है दान में चाहिए रशियन, ठीक है तुम्हें भी दिलवा देंगे, ऐसे ही दिलवा देंगे, आ जाओ। अरे नहीं सर जी, बस आप इतना पेमेंट करो तो हमारे लिए बहुत है, 4,550। भाई 5,000 के रशियन दिलवा दूंगा, पेमेंट 1 रुपए का नहीं करूंगा। अरे पेमेंट करा दो ना सर जी, आपके लिए तो बेटर है, समझे? हमारे लिए तो है ही, बट आपके लिए भी तो ये बेटर है। मुकेश जी। हाँ, कोई बेटर बेटर नहीं है जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सच वाली सच वाली। हाँ तो मैं अपडेट करवा सकूँ आपको जो भी प्रॉब्लम हो। इंटेंशनली 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 है, बट कुछ तो रीजन होगा ना सर आपका, ऐसे तो आप चाहते नहीं होगे कि नहीं करना मुझे आज, आज उठे और आपने सोच लिया कि पेमेंट नहीं करना, ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई तो रीजन होगा। अरे यार तुम भी यार पकाओ, बोर कर दिया पता है, भूख लग गई तुम्हारी बातें सुन सुन के। चलो खाना आ रहा होगा आपने। हाँ खाना आ रहा होगा, खाना आ रहा होगा। ओके रास्ते आ रहा है तब तक तो सर बात कर लो। चलो ठीक है फिर, एक मिनट रुको यार, ये जरा थोड़ा असिस्टेंट दिक्कत दे रहा है, रुको चुप कराता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। एक मिनट रुकना यार, असिस्टेंट दिक्कत कर रहा है कुछ। अरे 10 मिनट रूम लगे सर, आप बात कर लीजिए, जो भी चेंज करना कर लीजिए, ठीक है? चालू है। हेलो। हाँ जी हो गया स्टैंड, ठीक है? हाँ भाई एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं असिस्टेंट को समझा दिया जी, बताइए। तो भाई एक्सप्लेनेशन ऐसे होता है, एक रशियन होती है सुंदर सी गोरी सी चट्टी है जी, उसके मोटे मोटे दूध होते हैं, पूरा पूरा सुनना ऐसे, मतलब अधूरा सुनोगे मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं बताइए बताइए। हाँ उसकी टांगे होती है जी, उसके टांग के बीच में छेद होता है जी, थोड़ा लंबा सा जी, जिसको गाली में तो हम चू, समझ गए हुए जी। रिकॉर्डिंग में मत बोलिएगा सर, आपकी इम्प्रेशन खराब पड़ेगी। हाँ निगाह छोड़, वैसे ही समझा रहा हूँ ना जी जी जी। और वैसे उसको बोलते हैं क्या कहते हैं दूसरी भाषा में योनी। हाँ तो भाई वो जो है ना, मैंने सब में बंटवाई दी, अभी भी उसका चल रहा है, कुछ बच्चे जो है ना अपने, तो मैं भाई पैसे खर्चा करता रहता हूँ मेरा जो है ना। अरे वो बता रहा हूँ, सुन नहीं रहे पहले, अगर मैं बोल दूंगा तो समझोगे यार। अरे पहले ही तो बता दिया आपने कि 2.5 लाख का तो आपने खरीद कर लोगों, अब ढंग से बता रहा हूँ ना, ढंग से बता रहा हूँ, असिस्टेंट दिक्कत दे रहा था, उसको समझा दिया, ढंग से सुनो। अच्छा बोलिए। तो ऐसा है ना, मेरा जो है ना बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है, और मुझे पता है, अरे हाँ मुझे पता है क्या कहते हैं डिफॉल्ट होता है ना जैसे अनसिक्योर लोन पे, तो तुम यार कस्टमर का बाल भी नहीं उगाड़ सकते, ऊपर का नीचे का कहीं का भी, ठीक है? तो इसलिए भाई मैंने सोचा बिजनेस के पैसे से नहीं करूंगा, डिफॉल्ट करके करूंगा, इसलिए भाई उन पैसों से बटवा दी। तो सर जी इतने में आपने ये डिफॉल्ट कर दिया, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस बहुत मस्त चल रहा है, महीने के 2 लाख रुपए आराम से कमा रहा हूँ।
देखिए महीने के 2 लाख मिल रहे हैं सर जी आपको इसी पैसे से, ठीक है? तो थोड़ा सर आप नहीं 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 2 लाख इस पैसे से नहीं मिल रहे मुझे। तो किस पैसे से मिल रहे हैं? 50-80 आपने यहीं से खरीदी थी ना सर जी पैसे? तो आपने यही इन्वेस्ट तो यही से कर रहे थे ना? पागल हो रहे? ये तो बांटने वाला पैसा, बिजनेस तो पहले से चल रहा था, जब से मैंने लोन नहीं लिया था तब से भी चल रहा था बिजनेस तो यार। पहले से ही आपका बिजनेस चल रहा है टॉप एकदम? अच्छा टॉप चल रहा है। हाँ, आजकल पता है क्या होता है, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और अपने नौकर वोकर संभालते हैं सारा काम। अच्छा अभी तो बड़ा बिजनेस हो गया सर आपका। लेकिन अभी जो है ना आजकल मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा नौकर ही देना, क्योंकि मैं बैठता भी नहीं हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे रशियन बंटवाने पे ध्यान देता हूँ। समझ गया। तो पे भी कर दीजिए आप, इतना ही दया वाला काम कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो 4,550 रुपए का कर। और अगर तुम्हें सच बताऊं भाई, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं जो सर्विस देता हूं ना, जो फैसिलिटी देता हूं अपने दोस्तों को, जी, तो अपने जो साथियों को जो सर्विस देता हूं ना, अगर मेरे साथी कहते हैं कि भाई रशियन पे पिंक कलर की चड्डी होनी चाहिए, पिंक कलर की चड्डी बनवाता हूँ, बिकनी होनी चाहिए बिकनी बनवाता हूँ, इतनी मतलब सुख सुविधा के साथ बंटवाता हूँ रशियन पे, इसे कहते हैं फुल सुख सुविधा। और अगर मेरे साथी कहते हैं वाइग्रा की गोली तो वाइग्रा की गोली, अगर मेरे साथी कहते हैं भाई चॉकलेटी फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो भाई सब कुछ बंटवाता हूँ टोटल। अच्छा अरे भाई फुल सुख सुविधा। और बताओ तुम क्या कहते हैं, कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। बाकी एक दिक्कत है मुझे, वैसे क्या नाम बताया था अपना? जिग्नेश बताया था। जिग्नेश एक दिक्कत है मुझे, बताइए ना जिग्नेश भाई। देखो रियल बता रहा हूँ, अपनी दिल से करने के लिए काम बहुत सारे थे, लेकिन तुम्हें भी कलेक्शन ही पकड़ना था। जी सर जी, क्या करें, इसमें मन लगता है, इसमें मन लगता है, इसमें भाई पता नहीं क्या क्या लगता है, गाली सुनने को मिलती है, सीनियर से डांट पड़ती है, इसमें मन लगता है तुम्हारा क्या? तो हर जगह पड़ती है ना सर जी। अब आप ही सोचिए, आपने ये 2,57,000 का वो करा, ठीक है, पेमेंट यूज कर और बिजनेस स्टार्ट करा, राइट, आपके लिए सक्सेसफुल हो अच्छी बात है ना सर जी। अभी बस इतना जो बाकी 4,550 पे फोकस कर दो ना। वही तो कह रहा हूँ, अपना कोई भाई छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते थे या कोई और जॉब पकड़ सकते थे, कलेक्शन की छोड़ के कहीं भाई कंप्यूटर सीख लेते, किसी आईटी कंपनी में लग जाते, या कुछ और ये कहते हैं टैली वगैरह कर लेते, कहीं बिल वगैरह काटने का काम कर लेते। इसमें कलेक्शन में कहाँ आ गए तुम यार, बहुत दिक्कत का खेल है। जी 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 जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपका जो ये आरटीपी वाला बात है हम आगे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट एक बात सर जी इतना याद रखेगा कि जो अगर आरटीपी वाला नहीं हुआ सक्सेस यहाँ से, ठीक है, तो बैंक में जाके बस आप ये बता देना कि आपको पेमेंट नहीं भरना, ठीक है, क्लियरली। नहीं मैं क्या कर दूंगा ना, मैं काम करूंगा बैंक में यार, मैं थोड़ा जाता आता कम हूँ ना, मैं मैनेजर का नंबर है उसको या तो कॉल कर दूंगा, ठीक है। कॉल करोगे तो सर वो सेम टू सेम जो हमारी बात हुई ना वही कन्वर्सेशन होगा। मैनेजर कुछ नहीं बोलेगा, मैनेजर कहेगा साला मैनेजर से पहले ही बात हो चुकी है, उसने ही तो बताया था डिफॉल्ट के बारे में। ऐसा मैनेजर एक्सिस बैंक के मैनेजर ने आपको डिफॉल्ट बनने के लिए बताया? हाँ मैनेजर ने तो बताया था यार, ये बात सही करे। कोई इशू नहीं सर, मैनेजर जी का नाम क्या होगा? मैनेजर जी का नाम क्या चाह के रहो, उनका टर्मिनेशन करवाना चाह रहे हो? नहीं नहीं, अभी आपको किसी मैनेजर ने बताया तो बात तो करनी पड़ेगी, वहाँ बात होगी उनसे, फिर वो बोलेंगे हाँ मैंने मुकेश जी को बताया था ऐसा। नहीं भाई टर्मिनेशन वाले काम नहीं करवा दो, जो मेरा साथ देता है उसका नाम कैसे खराब कर सकता हूँ यार। ये दिक्कत करी, कोई इशू नहीं, चलिए आपके नियर बाय बैंक में। एक बात बताओ, दिक्कत की बात थोड़ी है, तुम ही खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारा साथ देगा तो तुम उसको टर्मिनेट करवा दोगे? नहीं नहीं कोई इशू नहीं, आपकी मदद की ना उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आप अच्छा बस इतना करेगा खाली, हाँ आप बस इतना काम करेगा उनसे ही बात करके जो आरटीपी वाला प्रॉब्लम है उनको बता के क्लियर करवा देना, तो क्या है कि आपको कॉल आके परेशानी ना हो, वैसे भी बिजनेस का काम करते हो बिजी रहते होगे। ओके सर, बहुत इतना बिजी हूँ, बहुत ज्यादा बिजी हूँ मैं। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।